तो फाइनली फ्रेंड्स अब कार को हम स्टार्ट करके चेक करने वाले हैं कि अभी इसका जो एसी है परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है इस मॉड्यूल को रिपेयर करने के बाद। और अभी मैं कार को करता हूँ स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कार स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी का ये बटन जो पहले फ्लक्चुएट कर रहा था इसने ये लाइट। हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मर्सिडीज वेंच के बारे में। तो ये कार है मर्सिडीज वेंच और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस कार का एसी रिपेयर। यानी कि इस कार में जो मेन प्रॉब्लम है वो है एसी का, जब हम बटन प्रेस करते हैं तो एसी के बटन पे लाइट होती है वो 3 बार फ्लैश करती है और एसी ऑन नहीं होता है। ब्लोवर ऑन होता है, फैन स्पीड से प्रॉपर हवा भी दे रहा है लेकिन बट कूलिंग नहीं आ रही है, एयर कंडीशनर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं इस कार का एसी रिपेयर। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कर दीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर। तो करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है मर्सिडीज वेंच सी क्लास और जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ यही सेम प्रॉब्लम मर्सिडीज की सी क्लास, ई क्लास और एस क्लास में भी सेम प्रॉब्लम आती रहती है। तो हम करने वाले हैं इस कार में ये जो भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करेंगे, इसकी फ्यूज बॉक्स को चेक करेंगे, साथ ही साथ इसकी वायरिंग को चेक करेंगे, इसके मॉड्यूल चेक करेंगे। तो ये कार है गैसोलीन इंजन मर्सिडीज बेंज C200 और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस कार के एसी प्रॉब्लम के बारे में। तो इस कार का एसी जैसे ही हम ऑन करते हैं तो जो एसी बटन है वो ब्लिंक करता है इस तरीके से, उसको जो लाइट है वो ब्लिंक करती है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले, तो उसके लिए अभी हम कर रहे हैं पहले फर्स्ट कार को स्कैन और स्कैन करने के बाद जो फोल्ड कोड है उस आधार पर हम टेस्ट करेंगे इस कार की प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता चुका हूँ इस कार में क्या प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम मैं इसमें अभी सॉल्व करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड रहता है इसमें फ्यूज चेक करने का, फ्यूज एंड रिले। तो अभी हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं इसकी एसी गैस। तो एसी गैस ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ इस मशीन से, तो एसी गैस इस पर बिल्कुल फिलअप है, टॉप अप है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और जो कंप्रेसर की वायरिंग है वो भी मैंने चेक कर ली है, कंप्रेसर की वायरिंग भी बिल्कुल ओके है। तो अभी मैं यहाँ पर इसमें टेस्ट करने वाला हूँ इसके कुछ फ्यूज वगैरह, फ्यूज एंड रिले। तो ये हैं इसके कुछ फ्यूज एंड रिले। तो उसके लिए हमें फोल्ड कोड चेक करना होगा किस फ्यूज या रिले का फोल्ड कोड आ रहा है स्कैनर में। तो अभी कार स्कैन हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जो अभी प्रोसेसिंग एंड प्रोग्रेस है वो 29% हो चुका है, तो उसको हम अभी 100% होने का वेट करेंगे। उसके बाद हम स्कैन करेंगे इसके सभी फ्यूज एंड रिले बॉक्स को। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कर दीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर अभी ये स्कैन हो रही है, तो जब तक मैं आपको इसकी वीडियो में आपको इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं नोटिस करा देता हूँ क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो इस कार में जैसे ही हम एसी ऑन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो एसी है वो ऑफ है, लेकिन जैसे ही मैं इसका ब्लोवर ऑन करता हूँ और मैं एसी बटन को ऑन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं एसी बटन पर लाइट जो है 2 बार ब्लिंक करके ऑफ हो जाती है, यानी कि जो इसका एसी है वो ऑन नहीं हो रहा है। ब्लोवर तो परफेक्टली ऑन है ओके, बट एसी ऑन नहीं है, यानी कि जो कार के अंदर जो कूलिंग होनी चाहिए, एसी वर्क करना चाहिए, वो वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी हम करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है मोस्टली सी क्लास एस क्लास में ये प्रॉब्लम आती आती है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बारे में बताएंगे किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लाइट आती है ये किसी भी एसी का एयर वेंट का जो एयर टेम्परेचर सेंसर होते हैं या वेपोरेटर पर जो कूलिंग टेम्परेचर सेंसर होता है या कंप्रेसर में गैस कम होगी या वायरिंग ब्रेक होगी या फ्यूज उड़ा होगा या रिले की प्रॉब्लम होगी तो ये लाइट इसी तरीके से ब्लिंक करेगी। ओके, तो अभी हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे और स्कैन करके अभी हम आपको चेक कराएंगे किस वजह से ये लाइट आ रही है। तो यहाँ पर कुछ इसमें माल फंक्शन भी हैं एयरबैग वगैरह के, तो वो भी हम चेक करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन बट मेरे पास जो गाड़ी आई हुई है वो ओनली एसी की प्रॉब्लम के लिए आई हुई है, मैं ये एयरबैग का काम इसमें नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो अभी हम ओनली इसमें एसी का जो काम है उसको ओके करेंगे। और आप इसमें फोल्ड कोड देख सकते हैं, काफ़ी सारे फोल्ड कोड हैं इसमें, लेकिन हमें जो मेन इसमें फोल्ड कोड चेक करना है वो हमें चेक करना है इसमें एसी यानी कि एयर कंडीशनर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी 94% हो चुका है, 95%। ओके, तो 100% पूरा हो चुका है
तो अभी हम इसमें टेस्ट करते हैं कुछ फोल्ड कोड। तो फोल्ड कोड में अभी हम चेक करने वाले हैं इसके एयर कंडीशनर फोल्ड। ओनली मैं एयर कंडीशनर फोल्ड को इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। तो एयर कंडीशनर में एक फोल्ट है, तो ये फोल्ड कोड आप देख सकते हैं, फोल्ड कोड करंट एंड स्टोर्ड। ओके, ये एयर कंडीशनर में है, बाकी का जो एयरबैग की लाइट आ रही है वो इस वजह से है। ओके, तो अभी हम इन सभी फोल्डों को नहीं हटाएंगे, ओनली हम एयर कंडीशनर फोल्ड कोड हटाएंगे। तो अभी मैं आपको ये फोल्ड कोड सारे डिलीट करके भी चेक करा देता हूँ एक बार क्लियर करके। यस, हेलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी कमांड मांग रहा है स्विच ऑफ इग्निशन, तो मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो ओनली एयरबैग का लैंप होना ऑन होना चाहिए, इस तरीके से इसको स्विच ऑफ होता है। हम इसको ओके करेंगे, तो वेट करेंगे इसमें 10 सेकेंड। तो अभी ये फोल्ड कोड मेमोरी जो है वो क्लियर कर रहा है, तो स्विच ऑन इग्निशन ऑन। ओके, और अब चेक करेंगे हम एसी का जो फोल्ड कोड था वो गया या नहीं। अगर नहीं गया है तो हम उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेंगे किस जगह से प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जैसे कि फ्यूज बॉक्स वायरिंग और रिले बॉक्स वगैरह या सेम बॉक्स। तो मर्सिडीज रिले बॉक्स को सेम बॉक्स बोलती है एक्चुअली। उस रिले बॉक्स में एक कंट्रोल मॉड्यूल होते हैं जो कि सीधे के लाइन से कनेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स है मर्सिडीज़ का, जिस जगह फ़ोल्ट होता है वो उस जगह का पूरा लोकेशन बताता है, ये फ़ोल्ट किस जगह का है। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये फ़ोल्ट किस जगह का है लोकेशन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर फोल्ड मेमोरी कंप्लीट। तो अब फोल्ड कोड चेक करते हैं, तो एयर कंडीशनर में आप देख सकते हैं अभी भी एक फोल्ड कोड है और सेम फोल्ड कोड है ये। ओके, तो अभी हम इस फोल्ड कोड को चेक करेंगे ये फोल्ड कोड किस वजह से है। तो अभी हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके फ्यूज बॉक्स की कुछ लोकेशन। तो ये है इसकी फर्स्ट लोकेशन, तो ये है इसका मेन फ्यूज बॉक्स जो कि है इंजन। तो अभी हम चेक करेंगे ये वाले जितने भी इसके फ्यूज हैं एंड रिले हैं सभी को हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो इस फ्यूज बॉक्स की जो लोकेशन है वो इंजन कंपार्टमेंट के अंदर है, यानी कि बोनट हुड के अंदर है। और सेकेंड जो फ्यूज बॉक्स है वो होता है इसके रियर साइड में, तो वो इस साइड में है इसकी लोकेशन। तो इसके लिए आपको ये कवर हटाना होता है इसके राइट साइड से। ओके, तो अभी हम इसको भी चेक करेंगे इसके सभी फ्यूजों को। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इस पर मॉइस्चर आया हुआ है पूरे फ्यूज बॉक्स पर पानी का। और मैं आपको भी लाइट अप करके दिखाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं पूरे फ्यूज बॉक्स पर जो है वो मॉइस्चर है काफ़ी पानी का, वाटर का। ओके, ये देखिए ये इस पर अर्थ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी मॉइस्चर है। तो अभी हम इस फ्यूज बॉक्स को निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आप इस जगह से इसका लॉक हटा सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर है एक इसका नट, तो वो नट भी मैंने ऑलरेडी खोल दिया है, तो अभी मैं इसको हटाता हूँ। ये देखिए कितना मॉइस्चर है पानी का, ये देखिए वाइट ही वाइट एरिया है, जबकि ये होना इस तरीके से ये ब्लैक, तो ये पानी के मॉइस्चर की वजह से। ये देखिए इसमें पानी का मॉइस्चर या नीचे की साइड भी है। तो अभी हम देखिए इसमें काफ़ी मॉइस्चर है, तो अभी हम इसके सभी सर्किट बोर्ड को हटाएंगे और चेक करेंगे इसमें कैसी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इसको हटा देते हैं इस तरीके से। ओके, और ये इसके सभी सॉकेटों को हटा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके वायरिंग के अंदर मॉइस्चर, जो आप ये देख सकते हैं रस्ट डू ब्लू कलर का है। और ये आप पिन भी देख सकते हैं इसकी, कुछ पिन भी इसमें टूटी हुई है। ओके, तो जो हमने अभी फ्यूज चेक किए थे आगे के, यानी कि जो इंजन कंपार्टमेंट में जो फ्यूज बॉक्स था वो हमने चेक किया था, वो बिल्कुल सारे ओके थे। लेकिन इसमें अभी मेन जो प्रॉब्लम निकली है वो आप इसकी पिन देख सकते हैं, टूटी हुई है इस जगह से। और जो मॉइस्चर है ये आप देख सकते हैं, और ये पिन भी देख सकते हैं, पिन टूटा हुआ है इसका। ओके,
तो ये ऊपर वाले एरिया में इसमें ग्रीन ग्रीन जो सॉल्ट लगा हुआ है, ये इसके स्पिन टूटे हुए हैं। तो अभी मैं बाकी की भी इसकी जो सर्किट है उसको भी हटा देता हूँ। ओहो, ओ माय गॉड, तो आप देख सकते हैं कितना सॉल्ट लगा हुआ है इसमें, और इसमें भी काफ़ी पिनों में मॉइस्चर है। तो अभी हम इन सभी को खोल करके इसको अच्छे से क्लीन करके और इसकी जो एक पिन टूटी हुई है इस वाले सर्किट की, इसको जॉइंट करके इसको फिटिंग करके चेक करते हैं इसकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, करते हैं अभी इसको बिल्कुल रिमूव कार से, और उसके बाद इसकी जो पिन है उसको सोल्ड करेंगे और फिर इसको फिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको करेंगे रिपेयर, तो उसमें पिन टूटी हुई है।